जिस तरह से क्रूड की मूव रह रही है अभी, और अभी तो बात होगी 73 के आसपास है, शायद 70 तक स्लिप हो जाए, ऐसे में क्रूड डेरिवेटिव्स में आपको कुछ और समय के लिए ट्रेड दिखता है? पेन स्टॉक्स चल रहे हैं, ऑयल मार्केटिंग काउंटर्स चल रहे हैं, ऑयल एंड लुब्रिकेंट चल रहे हैं, ये सब टेक बेनिफिट्स होंगे। तो जो सेक्टर्स आपने कहे उसके अलावा टायर्स हैं, उनको काफी फायदा होगा क्योंकि रबर प्राइसेस भी मल्टी ईयर लोज पे पहुंचे हैं ग्लोबली, और उनके भी ऑयल डेरिवेटिव्स गिरेंगे। तो इन कंपनीज को रियल फायदा होगा प्रॉफिटेबिलिटी में, उसमें कोई डाउट नहीं है। और ये काफी डोमेस्टिक लिंक सेक्टर्स हैं, तो इनके डिमांड सिनेरियो भी ठीक है, मतलब ओवरऑल स्लो डाउन है कंजम्पशन में, लेकिन इन कंपनीज को ज्यादा फर्क पड़ता है प्रॉफिटेबिलिटी के जो लीवर्स है अगर वो अच्छे हों तो। ये सब सेक्टर्स मुझे लगता है, और क्योंकि उम्मीद है कि ग्लोबल स्लो डाउन थोड़ा रहेगा अभी, तो ऐसा नहीं है कि ये जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो सडनली रिवर्स हो जाएंगे। ऑब्वियसली जब स्टॉक मार्केट्स वगैरह रिकवर होंगे तो इन 70-72 शायद ना रहे क्रूड, इधर से ऊपर आए, लेकिन एक साल के मुकाबले अगर हम देखें तो आज क्रूड करीब 40% नीचे है। संदीप, एक और इंटरेस्टिंग फोकस में आया है हीरो मोटो। हीरो मोटो का कंपेटिटर जो होंडा है उसने 65,000 रुपये की गाड़ी लॉन्च कर दी है, और बाजार में व्यू ये आ रहा है, शाइन का एक नया मॉडल आया है 100 cc, और व्यू ये आ रहा है कि ये कंपटीशन को बढ़ा देगा उस कैटेगरी में जहाँ पे हीरो अभी तक का दादा था। 65,000 रुपये की गाड़ी लॉन्च की है होंडा ने, आपको क्या लगता है? वैसे ही अंडर परफॉर्म कर रहा है हीरो मोटो बहुत ज़्यादा, 2300 रुपये पे आ गया है पिछले 1.5 साल में, मुश्किलें बढ़ सकती हैं? जी हाँ, बढ़ सकती हैं। जिस स्टेट में है वहाँ पर डिमांड एज इट इज फोर व्हीलर्स के मुकाबले काफी स्ट्रेस में रही है, ऊपर से ईवी कंपटीशन है, नई नई कंपनीज आ रही हैं। हालांकि मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये काफी नई कंपनी सर्वाइव नहीं करेंगी और मार्केट वापस ट्रेडिशनल प्लेयर्स में आएगा, लेकिन वो एक प्राइस वॉर का सिनारियो बनाता है। और फिर ये फेम सब्सिडीज रिलेटेड अनसर्टेनिटीज भी हैं कि अगले साल के बाद क्या होगा अगर सब्सिडी नहीं होगी, तो बहुत सारे इश्यूज टू व्हीलर्स में हैं। और हीरो मोटोकॉर्प मुझे वैसे ही नहीं पसंद क्योंकि इनका मैनेजमेंट बहुत ज्यादा बुलिश पिक्चर हमेशा प्रेजेंट करता है, और इवेंचुअली जब रिजल्ट आता है तो वो टोटली अलग होता है, तो इसलिए मैं इस ज्यादातर अवॉइड ही करता हूँ।